दोस्तों, अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि जंगल का राजा कौन है, तो सब आपको बता देंगे कि वह कोई और नहीं बल्कि शेर है। वैसे भी यह बात तो जग जाहिर है कि जानवरों की दुनिया का राजा शेर ही होता है। यह न केवल बड़े शरीर का मालिक है, बल्कि जंगल के किसी भी जानवर से ज्यादा ताकत भी रखता है। यह जितना बड़ा दिखाई देता है, उतना ही अपने शिकार के लिए खतरनाक भी है। जब यह अपने शिकार पर लपकता है, तो फिर किसी भी जानवर का उससे बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि यह वो खतरा है जिसे जीती जागती मौत भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको शेर के कुछ ऐसे ही हमले दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। यहाँ मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर से लेकर इम्पाला तक के छोटे जानवर भी हैं, लेकिन यह वो शैतान है जो किसी से नहीं डरता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। लायन अटैक एलिफेंट। सबसे पहले हम आपको जंगल के उस जानवर के बारे में बता रहे हैं जो सबसे बड़े जानवरों में से एक है। इससे पंगा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन शेर को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हाथी अगर साइज में बड़ा है तो खतरनाक होने के मामले में शेर सबसे आगे है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां हाथी का एक बच्चा कुछ शेरों के बीच में फंसा हुआ है। उसके सामने खुद मौत के रूप में शेर खड़ा है। वह चाहता है कि कैसे भी करके जल्दी से यहाँ निकल जाए, क्योंकि अपनी जान की परवाह भला किसे नहीं होती। लेकिन मुसीबत यहाँ शेर है, जो इस बच्चे को अकेला देखकर उस पर हमला कर रहे हैं। उनका यह हमला इतना खूंखार है कि वे उस बच्चे को जल्दी ही जमीन पर गिरा देते हैं। अब हाथी का यह बच्चा भी जख्मी हो चुका है और अपनी जान बचाने के लिए बहुत चिल्ला भी रहा है, लेकिन उस बेचारे की एक नहीं चल पा रही। आखिर में वह वक्त भी आ ही जाता है जब बेचारा हाथी का बच्चा शेरों की मार से मर जाता है और उन भूखे शेरों को अपना खाना मिल जाता है। लायन अटैक जिराफ। जंगल के सबसे भारी जानवर के बाद अब नंबर आता है उस जानवर का, जिसकी लंबाई इतनी अधिक है कि हाथी को भी उसके तरफ देखने के लिए अपने सिर को उठाना पड़ता है। लेकिन किसी जिराफ का शिकार कोई शेर कैसे करेगा, यह बात तो जरूर देखने वाली रहेगी। अब इस जिराफ को ही देख लीजिए, जो अपने बच्चे के साथ है, लेकिन इसे कुछ शेरों ने मिलकर अपने बीच फंसाया हुआ है। हालांकि जिराफ भी अपनी जान की हिफाजत करने के लिए शेर को लात मार रहा है, मगर शेर भी कम नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है जब जिराफ की लाख कोशिश के बाद भी शेर उसकी पीठ पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। इतना होते ही जिराफ अपने बच्चे को वहीं छोड़कर भाग जाता है। इसी दौरान मौका पाकर शेर उसके बच्चे को भी अपना शिकार बना लेते हैं। लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। अब आप देखेंगे कि शेर का मुकाबला जिस हैवान से होने वाला है, यह भी किसी बड़े की तरह से कम नहीं है, क्योंकि अगर शेर धरती का राजा है तो मगरमच्छ पानी का शैतान है। शेर के पास जबड़े की ताकत है, लेकिन मगरमच्छ भी किसी से कम नहीं। तो आप सोचिए कि अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो तो अंजाम क्या होगा। जिसे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक मरे हुए जानवर को लेकर शेर और मगरमच्छ के बीच खींचातानी चल रही है। शेर चाहता है कि यह शिकार उसका हो जाए, लेकिन मगरमच्छ चाहता है कि यह खाना आज उसे मिले। थोड़ी देर तो यह खींचातानी ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन फिर वह पल आता है जब मगरमच्छ उस शिकार को खींचकर शेर के मुंह से छीन लेता है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि शेर ने मगरमच्छ पर पहले हमला तक भी नहीं किया। पहले तो मगरमच्छ को एक पल के लिए देखकर ऐसा लगता है जैसे यह जीत जाएगा, मगर अगले ही पल शेर अपनी ताकत दिखाता है और शिकार को खींचकर जमीन पर ले आता है। अब आगे का खेल तो रोमांचक होगा, और यह भी कह सकते हैं कि जमीन पर तो शेर उस मगरमच्छ को मात दे ही देगा। लायन अटैक बफेलो। भैंसों की ताकत को कम समझना भी कई लोगों की एक बड़ी भूल होती है, क्योंकि चाहे यह जानवर शाकाहारी हो, लेकिन जब गुस्से में आती है तो फिर किसी से भी सामना करने से पीछे नहीं हटती। यहाँ आप देख सकते हैं कि भैंसों का एक झुंड खाने के लिए बाहर निकला है, लेकिन जब वे एक जगह घास खाने के लिए रुकती हैं, तब कहीं से एक शेर उन पर जोरदार हमला बोल देता है। भैंसों को इस शेर की भनक भी नहीं होती कि कोई खतरा उन पर नजरें जमाए बैठा है। बेचारी भैंसें ढंग से संभल भी नहीं पाती, तब तक शेर उनके पास आ जाता है। भैंसों के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। यूं तो सभी भैंसें भाग जाती है, लेकिन एक भैंस शेर का शिकार बनने से खुद को नहीं बचा पाती। वह खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शेर की पकड़ से निकलना इतना भी आसान नहीं है। थोड़ी ही देर में यहाँ एक और शेर आ जाता है और दोनों मिलकर अपने शिकार का मजा लेने में लग जाते हैं। लायन अटैक वाइल्ड बीस। अगर आप जंगल के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं तो अपने जंगल में घूमते वाइल्ड बीस को तो जरूर देखा होगा। ये होते तो हिरण की प्रजाति से हैं, लेकिन इन्हें देखने के बाद ये कहीं से भी हिरण जैसे लगते नहीं हैं, क्योंकि इनका शरीर हिरण की बजाय बड़ा और मजबूत होता है, जबकि साथ ही माथे पर दो घुमावदार सींग होते हैं। इसके अलावा इनकी स्पीड भी अच्छी होती है, जो इन्हें किसी भी जगह से निकलने में मदद करती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ वाइल्ड बीस एक नदी को पार करने की कोशिश में है, मगर इतनी ही देर में इस जगह पर जंगल का राजा शेर आ पहुँचता है। उसकी एंट्री फिल्म में किसी खूंखार विलन से कम नहीं है। उसे देखते ही सभी वाइल्ड बीस सतर्क हो जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। लेकिन शेर से बचना उतना तो आसान नहीं है,
जितना है वाइल्ड बीस्ट सोच रहे हैं। शेर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ पड़ता है और कुछ ही देर में एक वाइल्ड बीस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। अब वह वाइल्ड बीस्ट शेर के जबड़े में पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद भी अपनी जान बचाने की कोशिश करना नहीं छोड़ता, मगर उसकी कोई कोशिश काम नहीं आती और आखिर में वह शेर का शिकार बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लायन अटैक्स हाइना। यह वीडियो आप देखेंगे जो क्रूजर नेशनल पार्क का है। इस जगह आपको कई शेर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर वे चौंक तब जाते हैं तब उनके सामने अचानक से ही एक आयना आ जाता है। इस हाइना को तो इस बात की खबर भी नहीं है कि वो आज किसी का खाना भी बन सकता है। तभी एक दमदार हमला होता है और शेर उस हाइना को लपक कर पकड़ लेता है। उसका हमला इतना खतरनाक है कि हाइना को समझ पाए इससे पहले ही वही शेर के चंगुल में फंस चुका है। वैसे शेर को तो हम जानते ही हैं, यह खूंखार है, लेकिन हाइना भी किसी खतरे से कम नहीं। यह इतना बड़ा हैवान है कि अपने शिकार को भी जिंदा नोचकर खाने में भरोसा रखता है। खैर चाहे वह कितना ही खूंखार क्यों ना हो, लेकिन शेर के सामने तो छोटा ही रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बात करें तो इस हाइना के सामने दो शेर हैं। हाइना खुद को शेरों के चंगुल से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। थोड़ी ही देर में शेर के हमलों से हाइना बहुत घायल हो जाता है। उसकी मदद करने के लिए कुछ और हाइना भी साथ ही खड़े हैं, लेकिन बेचारे शेर के डर के आगे कोई भी नहीं बढ़ पा रहा। वे अपने साथी को बस मरते हुए देखते रहते हैं। आखिर में शेर अपने शिकार को जबड़े से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है। लायन अटैक चीता। जंगल की राजा की ताकत से तो हम सभी वाकिफ हैं। यह चाहे तो किसी भी जानवर को धूल चटा सकता है, लेकिन वहीं हमें चीता को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ताकत के मामले में यह भी किसी से कम नहीं है। शेर जहां अपनी ताकत के लिए पहचाना जाता है, तो चीता के पास उसकी फुर्ती और चतुराई है जो उसे किसी भी शिकार को अपना बनाने में मदद करती है। वहीं चीता के पास एक और प्लस पॉइंट है, उसकी रफ्तार। इसी रफ्तार के साथ यह दुनिया का सबसे तेज जानवर भी है। तो सोचिए जब इन दोनों जानवरों की लड़ाई होगी तो क्या होगा। यहाँ शेर की नज़र जैसे ही चीते पर पड़ती है तो वह अपनी पूरी ताकत के साथ शिकार की तरफ लपक जाता है। उसकी यह रफ्तार इतनी तेज है कि अगले ही पल चीता अपनी जान बचाने में लग जाता है, लेकिन उसकी ये सारी कोशिश भी धरी की धरी रह जाती है जब जंगल के राजा की पकड़ से खुद को नहीं बचा पाता। शेर अपने एक ही हमले में चीते को अपने मुंह से दबा देता है। इस दौरान ही शेर का एक और साथी यहाँ आ जाता है और अब दोनों मिलकर चीता की कुटाई शुरू कर देते हैं। हालांकि इस दौरान चीता के दोस्त भी आते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं होती। लायन अटैक ज़ेब्रा। शेर के सामने जहां कोई भैंस और हाथी जैसा जानवर नहीं टिक पाया, तो आप सोचिए कि इसके सामने कोई ज़ेब्रा आ जाए तो क्या होगा। क्योंकि चाहे ज़ेब्रा दिखने में इन जानवरों से छोटा है, लेकिन इसमें भी बहुत ताकत होती है और अगर यह चाहे तो किसी भी जानवर को अपने पीछे दौड़ाकर थका सकता है। यहां एक मैदान में बहुत सारे ज़ेब्रा मौजूद हैं। यहीं एक ज़ेब्रा ने एक बच्चे को जन्म भी दिया है, मगर उसे क्या पता कि यह उस बच्चे का आखिरी दिन भी हो सकता है, क्योंकि यह जंगल की दुनिया है जहाँ कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बीतती है और अब ज़ेब्रा अपने बच्चे के पास खड़ी है, लेकिन इतनी देर में ही एक शेर का अचानक हमला होता है और किसी आंधी की तरह उस बच्चे पर टूट पड़ता है और एक ही हमले में उस बच्चे को अपने मुंह से पकड़ लेता है। उसका खूंखार रूप देख आसपास खड़े जानवर भी उसके पास नहीं आते और शेर उस ज़ेब्रा के बच्चे की जान ले लेता है। तो दोस्तों, ये थे शेर के कुछ ऐसे हमले जो हमारे रोंगटे खड़े कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि शेर जब जंगल में अपने शिकार पर लपकता होगा तो सीन कैसा होता होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।